हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से V4 इनोवेटिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी के बारे में, जो कि शायद बिना अमिताभ बच्चन जी की मदद के नहीं हो पाती। हम आपको बता दें कि 1944 में 20 अगस्त 1944 में श्री राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था और 1991 में तमिलनाडु में उनकी हत्या कर दी गई थी। हम आपको बता दें कि बहुत लंबे टाइम तक सोनिया गांधी और राजीव गांधी जी का अफेयर चला था। उसके बाद जब इतने लंबे टाइम तक जब दोनों का अफेयर चला तो दोनों ने सोचा कि क्यों ना शादी कर ली जाए। तो क्या हुआ कि 1968 में जब सोनिया गांधी शादी करने के लिए इटली से इंडिया आई तो उनके साथ उनकी फैमिली का कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। जी हाँ, वो अकेली आई थी और एयरपोर्ट पर अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी उनको रिसीव करने गए थे। हम आपको बता दें कि इंदिरा गांधी के जमाने से ही राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। कई कई अखबार या कई कई न्यूज़पेपर तो या किताबें ये तक बताते हैं कि 4 साल की उम्र से दोनों एक दूसरे को जानते हैं और अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी के मिलने के पीछे श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। फिर हम आपको बता दें कि जब सोनिया गांधी जब भारत में आई तो राजीव गांधी के दिमाग में बड़े ही कन्फ्यूजन था कि अब कैसे हो, क्योंकि भारतीय रीति रिवाज के अनुसार जब भी कोई लड़की से कोई शादी करते हैं तो उसके साथ उसकी फैमिली होना चाहिए, उसका घर होना चाहिए। और एक्चुअली कांग्रेस के वो इतने बड़े नेता थे तो सब पूरा देशवासियों की नज़रें जो है ना उनके ऊपर थी, कन्यादान करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो राजीव गांधी ने एक दिन ये बात अमिताभ बच्चन जी को बताई कि अरे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है तो मुझे क्या करना चाहिए, एक दोस्त की तरह उन्होंने उनसे हेल्प मांगी। तो अमिताभ बच्चन ने अपनी माँ से, तेजी बच्चन से और हरिवंश राय जी से जो है ना इस बारे में उन्होंने उनको अपनी परेशानी बताई कि ऐसा ऐसा है राजीव गांधी और सब कहाँ से शादी करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो हरिवंश राय जी ने अपनी सहमति दे दी और उन्होंने कहा कि हम हमारे घर से राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी करेंगे और एयरपोर्ट से रिसीव करने के बाद वो सीधी अमिताभ बच्चन जी के घर पर गई। जी हाँ, वहाँ पर करीब 45 दिन तक वो वहाँ रुकी। सारी शादी की तैयारियाँ अमिताभ बच्चन जी के घर से हुई। हरिवंश राय जी ने उनका कन्यादान किया, सोनिया गांधी का कन्यादान हरिवंश राय जी ने किया। हम आपको बता दें कि राजीव गांधी जब अपने घर से बारात लेकर गए थे तो वो बारात भी अमिताभ बच्चन जी के यहाँ ही गई थी। अमिताभ बच्चन जी ने, हरिवंश राय जी ने और उनकी पूरी फैमिली ने उस बारात का स्वागत किया और सोनिया गांधी का कन्यादान किया। तो दोस्तों, शायद ये बात आपको नहीं पता होगी कि सोनिया गांधी का कन्यादान हरिवंश राय जी ने किया था और ये एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो कि रिलेट करती है अमिताभ बच्चन जी को और राजीव गांधी जी को। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी से जुड़ा ये इंटरेस्टिंग जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अगर अभी तक आपने V4 इनोवेटिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं कभी किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।